जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर टीए आर्मी की जो वैकेंसी आ गई, इस साल 2021 की वैकेंसी अब शुरू हो गई। दोस्तों अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपकी एज क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया, या मतलब ज़्यादा हो गया 18 से 42 साल इसकी एज क्राइटेरिया है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको बता दूं कि जो इसकी नोटिफिकेशन है वो आप सभी को पता है, ऑफिशियल वेबसाइट जो टीए आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नहीं आती है। इसकी अलग से ही नोटिफिकेशन कहीं आपको पेपर में या वहीं पर देखनी पड़ती है, अलग से आर्मी की जो इसकी ट्यूटोरियल वेबसाइट है उस पर इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो आप दोस्तों इसमें वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विथ प्रूफ कि इसकी वैकेंसी कब होने वाली है, कौन कौन से स्टेट में होने वाली है और ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वैकेंसी क्या है। कुछ लोगों को आपने नाम सुना होगा कि टीए टीए टीए, लेकिन है क्या टीए? इसकी फुल फॉर्म है यानी प्रादेशिक सेना है क्या है, इसका काम क्या होता है। दोस्तों ये सेना का एक विभिन्न अंग है। आपको पता है हर एक अंतर्राष्ट्रीय विभाग जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इस प्रकार के जो गठबंधन बन रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हर एक देश के लिए फिक्स डिफेंस का एक कोटा बनाया होता है, उससे ज़्यादा आप डिफेंस नहीं ले सकते या अपने देश के लिए नहीं रख सकते। तो सभी स्टेट को सभी देशों को ये फॉलो करना पड़ता है कि हाँ इतने ही हम मतलब फोर्स बनाएंगे, इसीलिए प्रादेशिक सेना बनाई गई है, इसीलिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेज बनाई गई। अगर आप सोचोगे कि सभी को आर्मी क्यों नहीं बना देते, सभी को मतलब जो CAPF है इनको भी आर्मी का या डिफेंस का दर्जा क्यों नहीं दे देते, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उसकी एक गठबंधन जो नीतियाँ होती है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि हर एक देश को कितनी उसकी जनसंख्या के अनुसार इतनी वो डिफेंस रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, इसीलिए ये इस प्रकार की फोर्सों का गठन होता है। साथ में इसीलिए इसका टीए का गठन होता है। इसका विशेष रूप से क्या होता है काम दोस्तों, विशेष रूप से जब युद्ध की अगर कभी देश में ज़रूरत पड़े युद्ध स्थिति में, तो इनको विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया जाता है कि युद्ध स्थिति में एक फोर्स के रूप में काम कर सके, आंतरिक सुरक्षा को संभाल सके देश की और बल के रूप में काम कर सके। जैसे 1962 के युद्ध में भी ये, भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इसने काम किया। तो इस प्रकार से युद्ध नीतियों में भी ये विशेष रूप से इनका काम होता है, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इसकी कोई एज लिमिट इतनी बड़ी रखी है। इसकी जो रनिंग क्राइटेरिया, पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब कब है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इसका हाइट का क्राइटेरिया दोस्तों, इसका फिजिकल में हाइट का जो क्राइटेरिया 160 सेमी है, 160 सेमी आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि उसके बाद में बता दूं चेस्ट है इसका 77 से 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में वेट आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए, एज मैंने बताई दी आपको। इसके अलावा रनिंग 1600 मीटर की रनिंग, टाइमिंग इसके लिए 5:30 और 5:45 दो ग्रुप है, मतलब 5:30 ये एक फर्स्ट ग्रुप है और दूसरा 5:30 से 5:45 ये दूसरा ग्रुप है दोस्तों। तो ये इसका रनिंग क्राइटेरिया। इसके बाद में अगर बात करें इसमें 10 पुशअप भी आपको लगानी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें होता है दोस्तों फिजिकल, उसके बाद में होता है मेडिकल और फिर होता है रिटन टेस्ट। इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस होता है। फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाती है दोस्तों। इसके लिए एजुकेशन है 8th क्लास पास, 10th क्लास पास और 12th क्लास पास अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे अगर आप ट्रेड में लग रहे हो तो 8th क्लास पास, अगर आप GD में लग रहे हो 10th क्लास पास, अगर भी आप कलर जॉब में लग रहे हो तो इसके लिए 12th क्लास पास आपका होना। इसके लिए कोई भी आपको फीस नहीं देनी पड़ती, इसका बिल्कुल एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। और ये वैकेंसी आप कहाँ कहाँ होने वाली है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले बता दूं, ये तमिलनाडु 8 फरवरी को, 8 फरवरी जो आ रही है इसको तमिलनाडु में हो रही है। 8 फरवरी को ये PRS ग्राउंड 110 बटालियन तमिलनाडु में ये हो रही है। उसके बाद में 28 अप्रैल 117 इन्फेंट्री में भी ये तमिलनाडु में होगी दोस्तों, PRS ग्राउंड में। उसके अलावा सिकंदराबाद में भी वैकेंसी होने वाली है मई में 4 मई को ये सिकंदराबाद में होने वाली है रैली वैकेंसी टीए। और 12 मार्च 2021 में ये होगी आपके बिहार में, पोर्ट ब्लेयर बिहार में ये वैकेंसी होगी 12 मार्च 2021 को। तो दोस्तों इस वैकेंसी की अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके ज़रूर इसमें कोशिश करना अगर आप जिसका आर्मी ज्वाइन करने का सपना है। और इसकी जो वेतन होता है 15,500 से लेकर 69,000 समथिंग कुछ होता है, तो सैलरी भी कम नहीं होती है इसकी। जो बेसिक GD से लगता है उसकी 21,700 होती है, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग कम है, बाकी एंड उनका भी 69,000 पे और इसका भी 69 है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। जय हिंद, जय